अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा ये लास्ट वीडियो है जी। अरिशा पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हैं? कितने? थोड़े पेज तो ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। पांच ही पूछने हैं, ठीक है पूछो। क्या तालिबान के रेलिवेंट क्वेश्चन पूछते हैं जीडी पायलट के टेस्ट में और एयरफोर्स के टेस्ट में? एयरफोर्स के टेस्ट में तालिबान के मतलब एक सवाल पूछा जाता है कि तालिबान का क्या है, और एक लड़की रिकमेंड नहीं हुई थी, क्या सवाल, क्या जवाब दिया था उसने? बताया था मैंने, उसने कहा था तालिबान बहुत अच्छे होते हैं, वो इसलिए रिजेक्ट हुई थी। उससे इंटरव्यू में पूछा तालिबान कैसे होते हैं, तो उसने कहा तालिबान बहुत अच्छे इंसान हैं, तो रिजेक्ट हो गई थी। तालिबान अच्छे नहीं है, दहशतगर्द, वट एवर जो क्राइटेरिया बना हुआ है उसी को आप लेके चलें, समझ आ रही है? तो आप तालिबान के बारे में ना तो डिस्कस करें, ना सपोर्ट करें, ना डिफेंड करें। आप कहें कि तालिबान नहीं होने चाहिए, ये लड़ाई झगड़ा खत्म होना चाहिए, बम धमाके नहीं होने चाहिए, टू दी पॉइंट। इसमें ज़्यादा डीपली आपने नहीं जाना और इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च भी आपने कहना मैंने नहीं की। अगला क्वेश्चन, अब हमेशा जब भी लड़ाई की बात हो तो छोटे बहन भाइयों का नाम लीजिएगा, बड़े का नाम ना लीजिएगा। बड़े का अगर हम नाम लेंगे तो आपका शुमार बदतमीजी में आएगा, छोटे बहन भाई का नाम लेंगे तो बेहतर आएगा। अगर किसी का छोटा बहन भाई नहीं है तो अपने किसी कज़न का नाम ले सकता है, छोटे का, बड़े का नहीं। लास्ट टाइम कब रोई थी? कहना सर लास्ट टाइम मैं रोई थी जब मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रही थी और मेरे से तैयारी में याद नहीं हो रहा था, तो मैं बहुत रोई थी। इससे उसे ये पता चल जाएगा कि आप हार्डवर्कर हो, और अगर आपकी हार्डवर्किंग कंप्लीट नहीं होती तो आप खुद ही रोते हो और खुद ही चुप हो जाते हो। अगला क्वेश्चन, बच्चे मैं थक गया हूँ। सर लाइफ में जितना भी हुआ है मेरे साथ कोई पछतावा नहीं है, मैं सब चीज़ों को फेस करती हूँ और या करता हूँ, और अभी और मैं आगे चलने की ख्वाहिशमंद होता हूँ, ठीक है? और कोई ऐसा कोई पछतावा आपकी लाइफ में नहीं है? नंबर कम आया, ज़्यादा है, कोई पछतावा नहीं है, समझ आई? लाइफ में कोई पछतावा नहीं है, पिछले 3 साल ज़ाया हो गया, कोई पछतावा नहीं है, यहाँ से शुरू करेंगे, अच्छी ज़िंदगी बहुत है, ठीक है? जिन्होंने 3 साल पहले शादी की थी वही वहीं खड़े हैं, डोंट वरी। लाइफ में अब डिसीजन सही लेने हैं, और 1 साल में तुम्हारे साथ बहुत कुछ होने वाला है। डरा नहीं, तुम्हारे साथ बहुत गुड न्यूज़ होने वाली है, गुड न्यूज़, हाँ बहुत ज़्यादा। रिकॉर्डिंग की बात बता, हाँ सर एक लास्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में आपकी लास्ट टाइम क्या करती थी जिसकी वजह से आप इंटरव्यू? सर आपने पहले बताया था कि पेरेंट्स की वॉइस आती थी, लेकिन इसके अलावा जैसे कि आप वो पूछता है कि लास्ट टाइम आपकी क्या मिस्टेक थी जो सेकंड टाइम में अटैम्प्ट कर रहे हैं, कि क्या गलती थी जिसकी वजह से आप रिजेक्ट नहीं थी? आपने कहना सर मैंने एकेडमिक रिवाइज नहीं किया था, एकेडमिक पोर्शन रिवाइज नहीं किया था। अपनी स्टडी पे लेके आना है, पर्सनैलिटी पे गलती नहीं निकालनी, क्योंकि पर्सनैलिटी तो अभी भी आपकी वैसी ही है, फेस वैसा ही है, ठीक है? और कोई सवाल तो नहीं अभी? बस बच्चों मैं थक गया हूँ, देखते रहें जान सब, वकार भाई दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।